तो कहते हैं जो कल वीडियो डाली थी और उसमें आप लोगों के बहुत सारे जो है व्यूज़ आए हैं, बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी है, अप्लाई भी किया है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि उस पर मैं अप्लाई करने के बाद कंपनी की तरफ से आपको टेक्स्ट या मेल आता है कि आपको जो है डेटा एंट्री का काम मिलेगा या नहीं। उसके बाद फिर आपके पास मेल आती है, वो पीडीएफ फाइल आती है जिसको कि आपको करना होता है, जहाँ पर आपको एक पेज का 5 रुपये मिलता है। थंबनेल भी आपने देखा हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ये सेकंड पार्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास गूगल डेटा एंट्री वर्क की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मेरा जो वहाँ पर हाँ एप्लीकेशन सर, डेटा वो एंट्री का काम मिलने वाला है। अब मेरे पास जो है एक पीडीएफ फाइल आई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिखाऊंगा कि वो पीडीएफ फाइल में वर्क कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए ये सामने ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया था कुछ इस तरह का है। जॉब आईडी देखिए मैंने यहाँ पे हाइड कर रखी क्योंकि वो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है कि हम किसी को जॉब आईडी अपनी बता सके, क्योंकि वो सीक्रेट होता है तो कोई भी हमारी आईडी से लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए जॉब आईडी मैंने हाइड कर रखी, बाकी सारी चीज़ें देखिए कंपनी की तरफ से मैसेज में कही गई हैं कि यहाँ पर जो है मैं एप्लीकेबल हूँ इस जॉब के लिए, डेटा एंट्री के लिए, तो मैं यहाँ पर वो डेटा एंट्री का काम मुझे मिलेगा और मैं यहाँ से अर्निंग करूँगा। तो इसलिए यार अब मैं आपको जो है अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कैसे वो पीडीएफ का काम करना है, उसके बाद में वो वीडियो भी आपको एक बार दोबारा से दिखाऊंगा कि कैसे आपको गूगल डेटा एंट्री का काम करना है। गाइज यार अर्निंग करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो रीजनल है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया कि आप एक पेज कीजिए आपको 50 रुपये मिल जाएंगे, नहीं, एक पेज का 5 रुपये है। जो बात जेन्युइन है वो बात जेन्युइन है, एक पेज का 5 रुपये है। अगर आप एक दिन में 200 पेज कर लेते हैं तो लगभग आप 1,000 रुपये एक दिन में कमा लेते हैं। तो और काम भी इतना बड़ा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो जो आपको एंट्री करनी है वो पेज में ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, तो बहुत ही सिंपल एंट्री यहाँ पे होने वाली है। अब मेरे पास जो आई है वो मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है आपके पास कोई और आए तो आपको अप्लाई कर देना है। गाइज यार जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है उन लोगों के बीच जिनको अभी भी जॉब की जरूरत है, जो घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से ही डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं, वो भी गूगल डेटा एंट्री के साथ। उससे पहले यार रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे देखिए रेड कलर का बॉक्स लिखा हुआ सब्सक्राइब, सबसे पहले उस पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं बिना देरी के सीधे आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। उससे पहले यार हम गिवे की बात कर लेते हैं, वो भी तो जरूरी है यार, आप वीडियो देख रहे हो तो अर्निंग आपको करनी है। अब अर्निंग का मौका चाहे कोई भी हो, ऐप के थ्रू हो, वेबसाइट के थ्रू हो या फिर गिववे के थ्रू हो, तीनों में से कोई भी चीज़ों से अगर अर्निंग आपकी हो रही है ना तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यार आपकी अर्निंग होनी चाहिए। मेरा मोटिव सिर्फ यही है, ये जो चैनल बना हुआ है जॉब सीकर से सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैं आप सबको जॉब दिलवा के रहूँगा। हमारी आपने देखा होगा कि एक ब्लॉग भी है जहाँ पर जॉब मिलेगी सबको, ये है ब्लॉग का नाम। आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं जॉब मिलेगी सबको .com, जिस पर बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत जेन्युइन काम आने वाला है, जहाँ पर आपको घर बैठे ही अर्निंग करने का मौका मिलेगा। तो बहुत जल्दी वो वेबसाइट ही मैं शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जो मेरी फैमिली जॉब फैमिली के जॉब सीकर फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, उस वेबसाइट पर जाइए और अर्निंग करिए, ऐसा मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। अब मैं गिवे की बात कर लेता हूँ। यार जो इस चैनल में पहली बार आए हैं नहीं जानते हैं कि यार गिवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, गाइस बहुत ईजी है। जो पुराने लोग हैं ना वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। जब वीडियो स्टार्ट हुई है और जब वीडियो एंड होगी आपको अलग अलग जगह टेक्स्ट दिखाई देंगे, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उन टेक्स्ट को ध्यान से देखना है, लिख लेना है, उसके बाद उनको एक सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि वो जो टेक्स्ट होंगे ना वो आगे पीछे होंगे, जैसे कि TIGER टाइगर होता है ना, तो आपको TIGER ऐसे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा REGIT आगे पीछे, तो आपको सीक्वेंस में लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और जो सबसे पहले सही जवाब आता है ना वो हमारा लकी विनर होता है, उसको घर बैठे बैठे 50 रुपये का बेटिंग कैश मिल जाता है। तो अगले विनर आप हैं, आप, मैं आप ही को बोल रहा हूँ जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे पता है अभी तक आप विनर नहीं बने, तो मैं चाहता हूँ अगले विनर आप बने। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज़ों में फ़ायदा होगा, एक तो यहाँ से गूगल डेटा एंट्री वर्क का आपको काम मिलेगा, सेकंड हमारी तरफ से आपको जो है पेटीएम कैश मिलेगा विनिंग के रूप में। तो अब बिना देरी के सीधे लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, पूरा प्रोसीजर बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो वैसे देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मुझे पीडीएफ मिला है, यानी कि जो पीडीएफ गूगल डेटा एंट्री की तरफ से मुझे सेंड किया गया था, उसमें क्या लिखा हुआ था और मुझे वहां पे काम कैसे करना है, ताकि आपके पास जब इस तरह का पीडीएफ आए तो आप भी काम कर सकते। सबसे पहले तो देखिए, आपके पास मैसेज आएगा गूगल वर्क डेटा वर्क की तरफ से, उसके बाद आपके पास पीडीएफ फाइल आएगी। मेरे पास मैसेज आ चुका था, उसके बाद देखिए पीडीएफ फाइल आई है। पीडीएफ फाइल कुछ इस तरह की है, देखिए यहाँ पर
ये मैंने जो है सेव कर ली थी एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने इसको ओपन किया इस तरह से सेव की। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि आपको टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं, लेकिन क्योंकि पीडीएफ में हमें सिर्फ जो है जो काम करना है वो हमें डेटा एंट्री का करना है, यानी कि ये डेटा हमें दिया गया है इसको सिर्फ हमें एंट्री करनी है विदाउट पिक्चर्स की। तो सिंपली हम एक ब्लैंक शीट इसकी ओपन कर लेंगे और यहाँ से जो मटेरियल है, देखिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, यहाँ से आपको सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करना है इसको, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चीज आ चुकी है। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, देखिए हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। तो ये मैं आपको इजिएस्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ इसको भी हम यहाँ पे एक बार कॉपी देखिए यहाँ पे कर लेंगे यहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास है क्योंकि मैंने इसको पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट किया था, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा कि आप उसे कॉपी कर सकें। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखो जो पीडीएफ आपके पास आएगा सिंपली आपको उसको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए एक्सेल में होता क्या है, जब भी पीडीएफ कोई आप डाउनलोड करते हैं अगर वो पिक्चर्स में है तो उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना ताकि वो टेक्स्ट रूप में आ जाए। जैसे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा तो उसको आप सिंपली कॉपी करके एक के नीचे एक पेस्ट करते रहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये देखिए मेरे लिए काम बहुत ईजी हो गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक नीचे एक पेज करना है, और जैसे ही पेज कंप्लीट होते जाएंगे नेक्स्ट पेज यहाँ पे आता रहेगा, और इस तरह से मेरे जो 5 रुपए का जो मेरा अमाउंट है वो ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली मुझे इसके नीचे जो है जो जो यहाँ पे मैटर लिखे हुए, देखिए यहाँ से सेकंड वाला हो गया है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले मैटर पे आऊंगा तो देखिए ये मैंने पूरा कर लिया था, उसके बाद देखिए मैं सेकंड वाले पे कर लेता हूँ, ये सेकंड वाला है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर ले जाके मैंने इसको पेस्ट मार दिया। ये देखिए अभी मेरा सेकंड भी हो गया है। तो इस तरह से देखिए मेरे को, मैं यहाँ पे ये काम को कर सकता हूँ बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया था, तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको डाउट लगे कि कन्वर्ट कैसे करना है, पिक्चर्स आपको दिखाई गई है लेकिन वो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करके आपको एक्सेल फॉर्मेट में कैसे करना है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं वहां से आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कैसे इसको कन्वर्ट करना होता है, कैसे इस काम को करना होता है। ये करने के बाद मैं इसको फॉर्म को पूरा भरने के बाद, ये जितने भी पेज है इसको कंप्लीट करने के बाद वापस से जो है उनकी वेबसाइट पे जाकर उनको अपलोड कर दूंगा या उनको मेल कर दूंगा। और फिर उसके बाद जब मेरे पास पेमेंट आएगी, पेमेंट यहाँ पे देखिए मंथली है, जैसे ही मेरे पास पेमेंट आएगी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको उसके ऊपर एक वीडियो पूरी बनाऊंगा। फिलहाल आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि कैसे आपको इस गूगल डेटा एंट्री वर्क में काम करना है, कैसे वहां पर रजिस्ट्रेशन करना, सारा कुछ आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गूगल डेटा एंट्री वर्क ऑनलाइन जॉब प्रोवाइडर्स यहाँ पर हैं, आपको यहाँ पर जो है गूगल डेटा एंट्री वर्क यहाँ मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए किस तरह के वर्क हैं, डेटा एंट्री वर्क यहाँ पे मिलेगा कंपनीज की तरफ से, राइटिंग वर्क यानी कि अगर आपको लिखने का शौक है तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे कमिटिंग जॉब भी आपको मिलती है जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड होती है। तो 3 तरह की यहाँ पे बेसिकली जॉब आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। पेमेंट की बात करूँ तो देखिए पेमेंट का मेथड यहाँ पे दिया गया है, पेपाल के थ्रू है, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, यानी कि इंडिया की जो मोस्ट जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो है पेटीएम या यूपीआई, तो यहाँ पे भी आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इस वेबसाइट की मुझे ये बात लगी कि यहाँ पे जो पेमेंट आपको मिल रही है आपके पेटीएम के अकाउंट से मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जॉब्स आपको मिल रही हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं डेटा एंट्री वर्क के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पेमेंट डिटेल्स में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। पेमेंट डिटेल्स की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी कि किस तरह का रेट यहाँ पे जो है आपको मिलता है अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं। अब डेटा एंट्री वर्क पे आउट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 पेजेस पीडीएफ, यानी कि अगर आप 100 पेज पीडीएफ के उनको करते हैं टाइप करते हैं तो आपको 500 रुपये मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 1 पेज का यहाँ पे 5 रुपीज है, जो कि बुरा नहीं है क्योंकि पीडीएफ में जो आपको लिखा होता है सिर्फ आपको टाइप करना होता है, 5 रुपये आपको मिल जाते हैं। और अगर 200 पेज आप कर लेते हैं तो 1,000, तो इजिली 200 पेज तो आप एक दिन में आराम से कर सकते हैं टाइप, तो यहाँ पे डेली का आप लगभग 1,000 रुपये तो इजिली कमा ही सकते हैं। ये तो हो गया डेटा एंट्री का। अगर कंटेंट आप राइटिंग करते हैं यानी कि अगर आप लिखते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसका देखिए यहाँ पर क्या है, 1,000 वर्ड का 2,500 रुपये यहाँ पे मिल रहा है आपको, यानी कि अगर आप 1 वर्ड लिखेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये मिलेंगे 1 वर्ड लिखने का। तो 1,000 वर्ड का यहाँ पे 2,500 रुपये तो काफी अच्छा है। इसी तरह से अगर 2,000 वर्ड लिखते तो 4,000 यहाँ पे आप कमा लेते हैं। इसी तरह से ये कमिटिंग जॉब है, उसके डिटेल्स यहाँ पे नहीं है।
हाल में यहाँ पे देखिए राइटिंग वर्क के बारे में बात कर लेता हूँ। राइटिंग वर्क का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जब मैंने इस पे क्लिक कराया तो राइटिंग वर्क की यहाँ पे देखिए डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। तो एक बार मैं वो आपको चेक करवा देता हूँ, राइटिंग वर्क देखिए किस तरह का है। गूगल डेटा एंट्री प्रोवाइडेड फ्री जॉब्स ओनली, क्लियरली ये मेंशन इन्होंने यहाँ पे किया है कि कोई भी यहाँ पे चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं, वो तो भी यहाँ पे आपको काम मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई भी चार्जेस आपसे यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे काम करने के लिए जैसे डेटा एंट्री वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक आपका एक फॉर्म आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट ऑनलाइन जॉब विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका जो जॉब कोड है वो डालना है। अब आप कन्फ्यूज होंगे कि जॉब कोड क्या है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो डेटा एंट्री के ऊपर है, तो जॉब कोड जो आपको होने वाला है वो होने वाला है डेटा एंट्री वर्क। आपको टाइप करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद टाइप करना है डेटा एंट्री। ये टाइप करने के बाद अब ये सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट द लैंग्वेजेस यू कैन टाइप, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो कि आप टाइप कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरेबिक है, जैपनीज है, इटालियन, हिंदी, बंगाली है, तेलुगु है, अदर्स हैं। तो आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस में अगर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उतना बेटर है। अगर आप ये कहें कि अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए देखिए मैं एक आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है और गूगल पे यहाँ पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना है क्या, यहाँ आप कुछ भी आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर देगा उस लैंग्वेज जिस लैंग्वेज आप चाहते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जैपनीज की बात करूँ, ये देखिए जैपनीज है, मैंने इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ I am मनु। अब यहाँ पे ये देखिए ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ ये देखिए ये है जैपनीज लैंग्वेज, देख रहे हैं आप। तो इसी तरह से अगर मैं इसको किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ फ्रेंच में देखिए, तो ये हो जाएगी इस तरह की जामी एप्ली मानुविश। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, टाइपिंग का आपको काम करना है सिर्फ आपकी लैंग्वेज के हिसाब से। तो आप सारी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे ट्रांसलेटर की मदद से उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल मैं अभी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज, हिंदी ये लैंग्वेज ले लेता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास काम आने के चांसेस होते हैं, और ट्रांसलेट तो आपके पास है ही, तो उसको भी आप यहाँ पे ट्रांसलेट इजिली कर सकते हैं जो भी आपको काम यहाँ पे मिलेगा। डेटा एंट्री एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर 1 साल डाल देना है या 2 साल आप डाल सकते हैं, 0 मत डालिएगा। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग में भी आप 1 साल डाल सकते हैं, कैप्चर टाइपिंग में भी आप 1 साल डाल सकते हैं, क्योंकि आपको काम करना है तो काम कोई सा भी मिले उस काम को आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज आपको चूज करनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी जो हमें काम करना है वो करना है इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब है डेटा एंट्री इन अबाउट चूजन लैंग्वेज योर आंसर, तो आपको किस लैंग्वेज में डेटा एंट्री का काम करना है तो वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। यहाँ पे मैं अपना आंसर लिख देता हूँ कि हमें इंग्लिश में ही करना है। अब नीचे देखिए सैम्पल टेस्ट है, राइटिंग मिनिमम 20 वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए एक आपको सैम्पल मिला हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे 20 वर्ड कम से कम इसमें से लिख देने हैं, जैसे कि है CONTENT, कंटेंट्स, उसके बाद है फाइल, उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट, ऐसे आप यहाँ पे 20 वर्ड लिख दीजिए इसमें से। उसके बाद देखिए अब नीचे आ जाता है 1 PDF ड्यूरेशन कि आपको अगर एक PDF मिलेगा तो उसको आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट करना है जल्दी, क्योंकि जो काम आपको मिलेगा उसे आप जल्दी सिलेक्ट करके दे देंगे तो आपको आगे के काम मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने यहाँ पे इसको 1 डे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो कि आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन है, अभी क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ आपको आपको अपनी क्वालिफिकेशन डाल देनी है। क्वालिफिकेशन डालने के बाद नीचे आपको देखिए एज पूछेगा कि आपकी एज कितनी है, वो एज यहाँ पे आपको डाल देनी है। उसके नीचे यहाँ पूछेगा लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन परसेंटेज,
जो लास्ट ईयर आपने जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है उसका कितना परसेंटेज आपको मिला है, मतलब कितने परसेंट आप मार्क्स लेके आए हैं, तो यहाँ पे वो आपको डाल देना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन है कि जो आपको पैसा चाहिए वो नेशनल से चाहिए इंटरनेशनल से चाहिए, क्योंकि देखिए नेशनल में आपका पेटीएम फोन पे भीम यूपीआई ये आता है, जबकि इंटरनेशनल में पेपाल आता है। वो आप ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से यहाँ पर नेशनल सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद देखिए नीचे आपका आता है जीमेल या ईमेल, आपका जीमेल एक अकाउंट होगा तो उसका यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, जीमेल अकाउंट यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेट होगा कंपनी की तरफ से वो आपके आपके जीमेल अकाउंट पर होगा, तो यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट डाल देना है। उसके बाद सिंपल सा आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपकी डिटेल्स पहुंच जाएगी गूगल डेटा एंट्री के पास, और वहां से आपके पास ही एक मेल आएगा। मेल में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह काम आपको करना है और क्या डेटा एंट्री का यहाँ पे वर्क होने वाला है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है गूगल डेटा एंट्री प्रोवाइड्स फ्री जॉब्स ओनली। क्लियरली देखिए बार बार उन्होंने मेंशन किया है हर पेज पे कि जो भी यहाँ पे आपको काम मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। तो इसलिए ये फॉर्म जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपके पास मेल आएगा। तो ध्यान रखिएगा जो आप ईमेल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल पे आपको डेटा एंट्री का काम मिलने वाला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। प्राइस यहाँ पे देखिए पेमेंट्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जो पेमेंट डिटेल्स है वो देखिए आपको डेटा एंट्री में किस हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाली है, कितने पेज आपको लिखने होते हैं तो कितनी पेमेंट आपको मिलती है। एक पेज का 5 रुपये ऑलरेडी मैंने थंबनेल में आपको बताया हुआ है। जो आप पेमेंट लेंगे, जो विड्रॉल आपको मिलेगा, वो विड्रॉल आपको देखिए मिलेगा आपके फोन पे पेटीएम या गूगल पे पे, या अगर आप चाहते हैं कि आप जो है बाहर के मेथड से पेमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप जो यूज कर सकते हैं पेपाल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो पेटीएम ही यूज करते हैं। वहां पे आपको ये पेमेंट मिल जाएगी। देखिए कोई आपकी जेब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, सिंपल सा आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद वेट करना है, यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपके पास मेल आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मेल अभी हाथों हाथ आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते रहते हैं तो कभी कभी टाइम लग जाता है। आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कर उसको एक बार के लिए आपको वेट करना है और चेक करते रहना है। इस टॉपिक पर, इस वीडियो पर या इस पेमेंट के बारे में कोई भी इश्यू तो यार मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं वहां से आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप। कोशिश करिए आपको सारी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे जब मेरे पास मेल आई, जब मेरे पास ये टेक्स्ट आया तो मैं तुरंत मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि सेकंड पार्ट मेरा बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग भी अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास भी आना चाहिए टेक्स्ट जैसे ही आएगा। तो इसमें मुझे जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कभी कभी टाइम भी लगता है, ये डिपेंड करता है कि कितना वर्क उनके पास है। तो आपकी जेब से कोई पैसा तो खर्च नहीं हुआ, सिर्फ आपने अप्लाई किया, तो आप वेट कीजिए, आपके पास भी टेक्स्ट आ जाएगा। और जब एक बार टेक्स्ट आ जाए तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। मैं इसका थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, जैसे ही मेरे पास की पेमेंट आएगी पहली, तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। पहले मैं काम करके देखूंगा, उसके बाद जैसे ही पेमेंट आएगी मैं आप लोगों के लिए इसका थर्ड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा। और अब गिव वे की तो वीडियो एंड होने वाली है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो पूरे टेक्स्ट आपको दिख गए होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन टेक्स्ट को लिख दीजिए, हमारी तरफ से 50 रुपये का पेटीएम कैश घर बैठे जीत जाइए। कोई आपका सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई आप कमेंट्स करना चाहते हो तो यह कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मिलता हूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी ज्वेलरी वीडियो के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।